मनीषा बोंद्रे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। मंकी पॉक्स को जागतिक आपदा घोषित करने के बाद भारत में रविवार को पहला मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध रोगी मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा की जानकारियों के अनुसार उसने हाल ही में विदेश की यात्रा की थी। फिलहाल उसे संक्रमण के लिए निर्धारित किए गए अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। गौरतलब है कि कई देशों में पहले से ही बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में मंकीपॉक्स से संबंधित मरीजों के इलाज के लिए लोकनायक अस्पताल, बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल सहित एक अन्य अस्पताल में विशेष वार्ड बनाए गए हैं। इनके अलावा एम्स सफदरगंज में भी कई कक्ष आरक्षित हैं। चूँकि अब भारत में रोगी की पहचान हो गई है, इससे लोगों में डर बना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी सभी लोगों को संक्रमण से बचाव को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है।